दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पबजी क्या था। तो देखिए दोस्तों, पबजी एक गेम था जिसको बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिसमें एक टीम बनती थी और टीम बनकर लोग खेलते थे और बहुत ही जो है अच्छे से प्लेइंग का काम करते थे और अच्छी तरह से खेला करते थे। अब जो जैसे ही जो है धीरे धीरे पबजी फेमस होता गया हमारे इंडिया में जो है गेम्स की जो है भरमार चली रहती थी। चला था एक बार के लिए वो ब्लू हेल वाला गेम चला था, उसने हमारे देश के लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया था, कितनी हानि पहुंचाई थी। उसी के साथ साथ दोस्तों ये तो पबजी आया, उसी के साथ साथ एक नई टीम बनी जिसके अंदर आप बताया गया था कि ये इस तरह से हम टीम बनाकर खेल सकते हैं, इतने लोग यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें कनेक्ट होकर हमारे साथ प्लेइंग करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे। अब एक्चुअली हुआ क्या, जैसे जैसे लोग खेलते गए इस गेम को, जैसे जैसे खेलते गए बढ़ता गया, बहुत ही बड़े स्तर पर चला गया। लेकिन इनके डेवलपर से एक गलती हो गई, इंडिया में लॉन्च करते समय ये गेम बहुत ही हानिकारक हो चुका है। सबसे पहले इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इनको पब्लिश करने से पहले उन बातों पर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बता दूं ये बैन क्यों हुआ, मैंने पहले भी कहा था बैन हो सकता है ये गेम, और ये गेम बैन हुआ है सिर्फ इसी वजह से हुआ, पूरे इंडिया में नहीं हुआ, गुजरात गांधीनगर और जो कटारिया जैसे इस तरह से कुछ जो है शहर है उनमें ये बैन हो चुका है। अब बैन हुआ क्यों है, इन पर जो टीम बनती थी अब उससे क्या होगा कि जो गेम में उनकी साथ नहीं होती थी, जो गेम में इनका साथ नहीं देती थी, जो टीम जो लोग गेम में उनका साथ नहीं देते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं उनसे ईर्ष्या करने लगे, उनको घर पर जाकर पीट कराने लग गए। डायरेक्ट घर पर जाते थे उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको पीट करा देते क्योंकि उन्होंने उनका गेम में साथ नहीं दिया। सच बता रहा हूँ ऐसा ही होता है। आप सोचते यार ये कोई क्या मजाक की बात हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। जब हमारे गेम की लत लगती है ना तो इतनी बुरी लगती है, आप एक बार के लिए ब्लू व्हेल के लिए सोच लो कितना, मतलब क्या था उस गेम में, कुछ स्टेप्स ही थे, तो आदमी जब अपनी सुसाइड तक पहुंच सकता है तो फिर मारपीट तो नॉर्मल सी बात होगी। तो सबसे पहले ये गेम बंद हो चुका है, तो सबसे पहले ध्यान दे अपने बच्चों की ओर कि ज्यादा से ज्यादा इस गेम के अंदर ना जाए, वो क्या कर क्या रहे हैं, और ज्यादा हो तो खसका दे लपाटा। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी ना करे वो, वरना जो है इसके जो है जैसे जैसे जो हिंसक बनते जाएंगे उसी तरह से जो है बाहर के जो वातावरण से जो है वो मतलब खराब होते जाएंगे, और जो है अपनी स्टडी से जो फोकस हटा रहे हैं, स्टडी से तो हटा रहे हैं, साथ में मारपीट पर उतर आ चुके हैं और अपने काम अपने समय को जो है बर्बाद कर रहे हैं, जो है बार बार से जो अपने टाइम को जो है बर्बाद कर रहे हैं। देखिए आप गेम खेलिए, आपने मजे के लीजिए, मजे लीजिए, अच्छे से लीजिए, लेकिन किसी भी चीज की अति मत कीजिए, उसे अत्यधिक मत कीजिए। आपने भी सुना होगा अति सर्वते वर्जते, अति हर चीज की जो है बहुत ही खराब होती है, अति हर चीज के लिए खराब होती है क्योंकि वो कभी भी हमारे लिए सही नहीं हो सकती। क्योंकि हमेशा जो भी काम हम एक्स्ट्रा करने चलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनको बढ़ाकर लेकर चल जाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता जाता है, चाहे वो भले बिजनेस ही क्यों ना हो, सबके सब हमारे लिए हानिकारक है यदि हम जरूरत से ज्यादा करते हैं। तो आप ध्यान रखना अपने बच्चों का, अपने परिवार का, कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो उनमें तो नहीं है। वो इस तरह से मतलब 4-4 बजे तक लोग खेल रहे हैं अपने मोहल्ले में, मैं देखता हूँ 4-4 बजे तक लोग खेलते हैं, यहाँ तक कि अपने YouTube चैनल बना के वहां पर अपनी गेमिंग वो डाल रहे हैं, 4-4 बजे तक सुबह लगे हुए हैं, स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं, अपने और कामों को फोकस देना बंद कर दिए हैं, वो बार बार इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं ये बात होता हूँ, ये गलती उन बच्चों की नहीं है जो गेम खेल रहे हैं, हाँ हालांकि उनकी गलती भी है, उनके पेरेंट्स की भी है, लेकिन ये गलती है हमारी गवर्नमेंट की। जब ब्लू व्हेल गेम आया था तो उसे इंडिया में लॉन्च ही क्यों नहीं दिया, उनको पता है कि ये इस तरह से काम करता है लेकिन लोगों को मजे आ रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। जब उनको पता था इसकी सारी कंडीशंस पता थी कि इस तरह से लोग इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, खिलाफ जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा इनके डेवलपर को, जिन्होंने इस गेम को क्रिएट किया है, बनाया है, जनरेट किया है, उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि इस तरह की कोई भविष्य में जो है इस तरह की कोई जो हिंसक प्रवृत्ति तो नहीं आ जाएगी जिससे हमारे गेम को बैन करना पड़ सकता है। और जो इसकी धारा है जो है बहुत से लोग जो है क्या है कि जेल में भी जा चुके हैं, लगभग 10 लोग जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है लगभग 10 लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसकी धारा की बात करूं तो धारा 188 के तहत लोग जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और 188 में क्या है आप सभी जानते होंगे, बहुत सी बार मैंने बताया भी है, तो इसके तहत जो है लोग गिरफ्तार तो हो ही रहे हैं। उसी के साथ साथ
ये अपना जो है अपना काम से भी बार बार हट रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरे इंडिया में बंद कर दीजिए इस गेम को। छोटे छोटे शहरों में करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति ले चुका है ये गेम और बहुत ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, और टाइम वेस्ट के साथ साथ उनके माइंड को जो है इरिटेट तो कर रहा है और अपने ध्यान से भटका रहा है। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, आपको पहले भी मैंने बताया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, आपके लिए जरूरी है नॉलेज। आपके नंबर आपका नंबर जो है आपका नॉलेज नहीं डिफाइन कर सकते, तो आपको जो है अपने नॉलेज पर फोकस करना है और किसी बात पर फोकस नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, दी गई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।